एक कदम जो गवर्नमेंट ड्रग्स स्टोर इसके लिए शुरू किया। साथियों मुझे याद है शिवाजी के तेल पे खड़े होकर ऊंट रेड़े पे मुख्यमंत्री नाच कर गया कहता तेल तक पानी पहुंचा दिया। और आज के दिन भी अधिकतम गांव को पानी के टैंकर खरीद के अपने प्यास मिटानी पड़ती है। साथियों आज हम बात करें सरकार की, एक धार्मिक सेठ ने शिवानी में अस्पताल खोल दिया। आज कोई शिवानी का साथी या मौजूद है उससे पूछ लेना कि आज तक पर्याप्त मात्रा में ना लोहारू के ना शिवानी के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों तक की नियुक्ति है बीजेपी की सरकार करा पाई। आज हम बात करें एक बहुत बड़ी मांग पहल को उप तहसील बनाने की, निरंतर लोग संघर्ष करते रहे। शिवानी के लिए तो अनाउंसमेंट कर दी गई कि उसको हिसार से जोड़ा जाएगा, पर आज तक सरकार एक कदम दोनों चीजों को नहीं उठा। बुजुर्ग युवा साथियों, पांच साल में जुमले अनेक पर काम एक भी नहीं करने का काम। पांच साल में इन लोगों का रिकॉर्ड है कि चार बार प्रदेश में आग लगाई, 80 लोगों को सरकारी गोलियों से मार दिया, जात पात धर्म जब का जहर फैला दिया। साथियों कहते हैं ना पर्ची ना खर्ची, मैं तो आपसे पूछता हूं, 1 करोड़ रुपए में जुडिशरी का पेपर अंबाड़ा में बिकता हुआ पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चल रही, 2.5 लाख के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर रेवाड़ी में बिकता चला गया, आज उसकी इंक्वायरी चल रही। गुड़गांव नगर निगम की रिपोर्ट बताती कि कोई भी ऐसा कट्टा कर्मचारी नहीं है, 130 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा गया है, जो किसी मंत्री संतरी की सिफारिश बिना लगा। आप खुद सोचो देखो समझो कि यह पहली सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो ईमानदारी का भी पैसे खर्च के ढोंग पीटने का काम करे। आपने खुद देखा चोर तो कभी अपने आप को चोर नहीं कहता, पर चोर अपने आप को ईमानदार बताने के लिए हर तरह के प्रयास करता है। और खट्टर साहब की आज वही आधार, खट्टर साहब की उसी तरीके से टीवी पर इश्तिहार चलाकर कह रहे हैं कि ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार। कोई पूछ रहा है अपने कि 5,000 करोड़ रुपए की खदानों से चोरी किसने करी, भिवानी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले में, आपकी सरकार ने करी खट्टर साहब। 1,000 करोड़ रुपया रोडवेज का घोटाला हुआ किसकी सरकार में हुआ, आपकी सरकार में। ये बिजली के मीटर जो घरों के बाहर लगा दिए, घर के अंदर बिल आया कितना था, 700-800 रुपए बताता है, 2,500 से 5,000 रुपए। 100 करोड़ का घोटाला हुआ किसकी सरकार में हुआ, इस खट्टर सरकार के अंदर। एसपी बच्चों 25 करोड़ से उनकी सरकार मानती है, 4 जिलों में चोरी हुई है, किसकी सरकार में। साथियों आज अमित शाह आएगा आपके पड़ोस, बात कर जाएगा कि हमने बड़ी बड़ी देश हित की योजनाएं बनाने का काम किया। अरे हरियाणा की धरती से, भिवानी की धरती से और लोहारू की खास तौर पर धरती से सबसे ज्यादा देशभक्त निकले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। साथ ही आज तो आप लोगों के साथ कहूंगा कि आज उठा के लोहारू के फौजियों की संख्या उठा के देख लो और गुजराती फौजियों की संख्या उठाकर देख लो, आज भी लोहारू की धरती से ज्यादा सैनिक आज हमारे बॉर्डर पर तैनात हैं। साथ ही ये देश हित की बात करते हैं, इनसे पूछने का काम करो कि हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए इन्हें क्या कदम उठाने का काम किया। आज सैनिक बन रहे कम पेंशन के कारण आदमी परेशान, आज इनसे पूछो कि आप तो एक हरियाणवी की बात करते थे, फिर क्या मजबूरी आई, मनोहर लाल खट्टर को अलग घूमना पड़ रहा है, अमित शाह को अलग घूमना पड़ रहा है। ये 75 पार का नारा क्या एक बुलबुला था जिसको इस सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके
बचाने का काम किया। साथियों, मैंने तो पिछले 11 महीनों के अंदर एक एक विधानसभा क्षेत्र के दौरे किए, दो बार तो आपके बीच में आने का मौका मिला। आज पानी की समस्या हर घर तक है, हर खेत तक। जो ये दावा करते थे कि हमने टेल पे पानी पहुंचा दिया, इनकी तो शिवानी ब्लॉक वालों ने निरंतर पोल खोलने का काम किया। सड़क की ऐसी हालात है, मेरे ख्याल से 5 साल में एक भी सड़क इनने दोबारा नहीं बनाई हो, और पुरानी सड़कों पे भी कार लगाने का काम नहीं किया। मैं तो एक चीज भिवानी की जनता के दिल की भावना से आज जरूर बोलना चाहूंगा कि आज सड़क पे गड्ढे, खेत बिन पानी, अजय सिंह ने याद करे उसकी भिवानी। आज आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है। आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेल में, बराज उनकी कभी दुष्यंत अकेला पूरी नहीं कर सकता है, अजय सिंह जी पूरी नहीं कर सकते है, महेंद्र पूरी नहीं कर सकता। आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जिम्मेवारी कोई पूरी कर सकता है तो यहां बैठा एक एक पार्टी का कार्यकर्ता को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। और मैं निवेदन करूंगा आज उम्मीदवार के तौर में अल्पारे जी आपके बीच में एक एक कार्यकर्ता से जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा कि जिम्मेवारी तो अल्पारे जी के पास हो, और ये सोच लेना कि बाड़ा से नहीं, द्वारू से भी श्रीमती नैना चौटाला चुनाव लड़ रही है। साथियों, इन ईमानदार लोगों से पूछने का काम करो कि इनकी सरकार में एसपीओ भर्ती हुए, सारी बीजेपी गलती मेरे पीछे पड़ी गई कि दुष्यंत झूठ बोल रहा। साथियों, लिस्ट आई 80 एसपीओ इलेक्ट्रिकल जनरल कोटे की, और 80 में जनरल के केवल मात्र 2 हरियाणा के। आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद उस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहे कि हमारे अधिकार को भी आज गुजरातियों को दिया जा रहा। हमारा बीटेक करा हुआ बच्चा तो आज 84 लगता है ग्रुप डी की 4 श्रेणी की नौकरी में भर्ती होता है, और गुजरात का बीटेक करा हुआ एसटी इलेक्ट्रिकल के तौर पर हमारे बीच में भर्ती होता है। साथियों, आप खुद सोचो कि सरकार ने निरंतर यह माना नहीं कि उसके अंदर कमियां रहे, कहते तो पॉलिसी नष्ट, और फिर कल उस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है। ईमानदार लोग देखो आके कहते हैं दुष्यंत तो झूठ बोल रहा है, 115 की भर्ती आती है। ये तो कोई एससी भाई बैठा होगा उसको पता होगा फॉरन भरते हो तो हरियाणा के डोमिसाइल के बिना एससी कोटे में अप्लाई नहीं कर सकते। कोई हैंडीकैप हो तो उसका हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है, हैंडीकैप कोटे में भर्ती नहीं हो सकती। मगर इस तरह के प्रचार करके खट्टर साहब क्या बच जाओगे? क्या हमारे अधिकार की नौकरी दूसरे प्रदेश के बच्चों को दे दोगे? ये होने नहीं देंगे। राज बनाएंगे जननायक जनता पार्टी का, और साथियों, राज बनने पर हरियाणा प्रदेश की चाहे सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट नौकरी हो, 75% हिस्सेदारी उस नौकरी के अंदर आपके बालकों की हरियाणा के बच्चों को देने का काम करेंगे। जब हमारे 17 बच्चे 5 दिनों में एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ हो गई कि पेपर गृह जिले में होना चाहिए, जब किसान के ट्रैक्टर का चलान 65,000 कटा तो कहते हैं पुरानी मोटर व्हीकल एक्ट को ही लागू रहने दें। कोई पूछने का काम करे खट्टर साहब से कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे जब तो उस युवा की याद नहीं आई, 18 लाख ग्रुप डी के बच्चों को दर दर की ठोकरें कटवाई। आज बहन का लोहारू का बच्चा यमुनानगर पेपर देने जाता था जब तो उसका दुखड़ा रोया नहीं, और आज जब पता चल गया कि युवा एक और पर लड़ाई लेकर जननायक जनता पार्टी का साथ देने को तैयार है तो फिर अपना मुंह छुपाने के लिए ये कहते हो बात कि पेपर घरवाले जिले में कराए। साथियों, वादा करते हैं इनकी तरह झूठा वादा नहीं, राज बनने पर बच्चों को दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, घर में जिस जिले में उसका घर है वही पेपर देना पड़ेगा। और उसके साथ जो ये बारी बारी सरकार 1,000, 1,200, 1,500 रुपए फीस के तौर पर लेती है,
ये वादा मैं करता हूं कि सालाना सिर्फ 100 रुपए विभाग को देने पड़ेंगे, जितने फार्म भर लिए उतने दोबारा पैसे देने की जरूरत। साथियों, जहां बात फीवर कलेक्शन की है, अपने इस इलाके में बहुत बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने 30-40 हजार रुपए जमा करा दिए कलेक्शन के नाम। विधानसभा चुनाव से पहले नोटिस निकाल दिए कि और 50-50 लाख-लाख 2-2 लाख रुपए जमा करो डिस्टेंस के हिसाब से। साथियों, कई जगह तो यह हालात है इस प्रदेश में, 5-5, 6-6 साल हो गए फीवर कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। ये वादा हमने जब पार्टी का निर्माण किया था डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार किया था कि राज बनने पर हर किसान को चाहे कितने किलोमीटर लाइन खींचनी पड़े, ट्यूबवेल कनेक्शन गुजरात की मोटर जरूरी नहीं होगी। आज तो सरकार ने कानून बना दिया सिर्फ एक कंपनी की मोटर के सिवाय, जो कि शायद 60 हजार की है, पता नहीं 80 हजार की है, दूसरी मोटर भी किसान नहीं लगा सकता। इस कानून को खत्म कर मुफ्त के अंदर हर किसान को ट्यूबवेल कनेक्शन अपने काम करती है। साथियों, जहां बात हरियाणा प्रदेश के हित की, आज दो चीजों से हरियाणा प्रदेश पूरी तौर पर तंग है। एक तो कानूनी व्यवस्था, हर रोज प्रदेश में एक मर्डर, 3 रेप और 4 डकैती हुई। जिस प्रदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई, वहां 3 रेप होना बिहार को भी पीछे छोड़ना अपराध के मामले में शायद अपने प्रदेश पर एक बहुत बड़ा आज कलंक इस बीजेपी की सरकार ने लगाया है। और दूसरी परेशानी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ है हमारा पशुओं की। अभी मैं आ रहा था तो ऊपर से इतने खावड़े घूमते दिख रहे थे खेतों में, मेरे ख्याल से किसान मोटर चलाने कम जाता है, खावड़ों की रखवाली करने ज्यादा जाता। सही बात है नहीं है? ये वादा तो सारा छोरा करेगा, राज बना दो इन गुंडों और खागड़ों से बॉर्डर की छुट्टी करा दूंगी। और जहां हमारे बूढ़े बुढ़िया की बात है, ये पार्टी के निर्माण पे फैसला लिया था कि एक सरकारी कर्मचारी को 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, पर हमारे बूढ़े बुढ़िया की पेंशन 60 साल की उम्र में शुरू होती है। तो श्रीमती नैना चौटाला जी ने एक बात कही थी कि महिला तो सबसे ज्यादा घर का काम करती है, 2400 घंटे सुबह उठने से लेकर रात तक वो काम कर रहे थे, उसको 60 साल मिल जाए 70 साल, और बूढ़ों को कर्मचारियों के बराबर 58 साल। बैंक में जाने की जरूरत नहीं, आज हमारे बूढ़े बेटिया बैठे सारे तंग, सुबह बैंक में जाते हैं 4 बजे तक 1-2 हजार का नोट मिलता है। बैंक में जाने की व्यवस्था नहीं, चौधरी देवीलाल जी ने समान पेंशन बनाई थी बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने के लिए, ना कि उनका अपमान करने के लिए। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में आपकी सत्ता बढ़ने पर हर बुजुर्ग को 55 साल 58 साल की उम्र के अंदर घर बैठे 5151 रुपये पेंशन देने की। और मैं